बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम चिल्ड्रेन अस्सलाम वालेकुम। आज हम मेट्रिक क्लास का फिफ्थ नंबर चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उस चैप्टर का नाम जो है फैक्टराइजेशन, एचसीएफ, एलसीएम, सिंपलीफिकेशन एंड स्क्वायर रूट्स। ठीक है, इस चैप्टर में हमारे पास जो फर्स्ट दिया गया है वो है फैक्टराइजेशन। ठीक है, और एक्सरसाइज 5.1 में फाइंड द फैक्टर्स लिखा हुआ है। इसका जो पहला क्वेश्चन है वो मैंने लिखा यहाँ पर 3t^2n - 6t^2n - 3 +9t^2n - 5। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे पास ये लाजमी चीज है कि जितनी भी टर्म्स हैं उसमें हम पहले चेक करेंगे नंबर हमारा कौन सा इसमें कॉमन है, नंबर। ठीक है, नंबर देखने के बाद हम एक काम करेंगे, फिर उसकी बारी आएगी, यानी किसी वेरिएबल की बारी आएगी। वेरिएबल हम चेक करेंगे, यहां पर टी है, यहां पर भी टी है, यहां पर भी टी है, मगर यहां पर पता है आपको कि यानी टी के ऊपर जो है ना पावर दी हुई है 2n, यहां पर भी 2n - 3 के साथ है, यहां पर भी 2n - 5 के साथ है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह करेंगे, आप देखें यहां पर सोल्यूशन ये 3t^2n - 6t^2n - 3 +9t^2n - 5। अब इस क्वेश्चन को हम किस तरह लिखेंगे, आप देखिएगा t^2n मैंने लिखा -6t^2n मल्टीप्लाई t^-3। ये जो t^2n - 3 रखा हुआ है इसको हम क्या करेंगे, यहां पर आपके पास जब भी वेरिएबल सेम होते हैं उनके पावर्स एड या सब्ट्रैक्ट होते हैं, इस तरह मैंने जो प्रॉपर्टी अप्लाई की हुई है, प्लस साइन हम लगाएंगे यहां पर, ये प्लस साइन 9t^2n - t^-5। ठीक है, उसके बाद आप देखें यहां पर 3 कॉमन है, इसमें भी अंदर 3 रखा हुआ है, इसमें भी अंदर 3 रखा हुआ है। आप देखें अब 3 और t^2n हम कॉमन लेंगे, यहां पर भी t^2n, यहां पर भी t^2n, यहां पर भी t^2n, तब मैंने वो कॉमन ले लिया। फर्स्ट टर्म में से हमने 3t^2n बाहर निकाला, यहां पर आएगा 1, माइनस की साइन देंगे, ये वाली सेम। उसके बाद 3 इसमें से निकालेंगे तब हमारे पास यहां पर 2 आ जाएगा, और t^2n वैसे ही आपका बाहर रखा हुआ है, और यहां पर एक t^-3 सेम एज इट इज आएगा, प्लस यहां पर देंगे साइन हमारे पास सेम आएगी, इसमें से एक 3 निकालेंगे तो यहां पर एक 3 आ जाएगा। t^2n हमारा बाहर रखा हुआ है, यहां पर आपके पास -5t^2 आएगा। ठीक है, उसके बाद हमारे पास 3t^2n ये 1 - 2। आपको पता है, आपको याद है, एक प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी थी, जिस नंबर के ऊपर अगर पावर हमारे पास नेगेटिव है उसको पॉजिटिव करने के लिए हम नीचे लेकर आते हैं। ठीक है, अब आप देखें यहां पर इस टी के ऊपर जो पावर है वो -3 है, तो इसको नीचे लेकर आएंगे, ये आपका पॉजिटिव हो गया, प्लस इसी तरह यहां पर भी हमारे पास t^-5 है, इसको नीचे लेकर आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, और ये हमारा आंसर है। बात समझ में आ गई बच्चों? ठीक है चिल्ड्रेन, इसी एक्सरसाइज का सेकंड नंबर प्रॉब्लम है, सेकंड नंबर, जिसमें लिखा हुआ है 3a + 3 होल स्क्वायर, उसके बाद x - 2 + 6a + 3x - 2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, आप देखें यहां पर फर्स्ट टर्म जो है ना उसमें 2 ब्रैकेट्स रखी हुई हैं, सेकंड टर्म है उसमें भी आपके पास 2 ब्रैकेट्स रखी हुई हैं, आप देखें इस तरह हमारे पास है। अब ये 2 टर्म्स है, ये फर्स्ट टर्म है और ये सेकंड टर्म है। इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें मैंने बताया था कि आप देखें टर्म्स और उसके बाद आप नंबर चेक करोगे नंबर कौन सा कॉमन है, यहां पर 3 है और यहां पर भी 3 है इस 6 के अंदर। आप देखो a+3 यहां पर भी है इस फर्स्ट टर्म में, a+3 सेकंड टर्म में भी है, x-2 फर्स्ट टर्म में है, x-2 सेकंड टर्म में भी है। हम इनको कॉमन लेंगे, जब हम कॉमन लेंगे आपके पास 3 मैंने कॉमन लिया, a+3 एक ब्रैकेट मैंने कॉमन ली, x-2 दूसरा हमने कॉमन लिया। ठीक है, अब फर्स्ट टर्म में से 3 हमने बाहर रख दिया, a+3 एक हमने बाहर रखा है, बाकी एक हमारे पास इस ब्रैकेट में आएगा, फिर x-2 एक ही तो वही बाहर रखा है, पॉजिटिव साइन, इसमें से हमने 3 बाहर रखा तो 2 आएगा अंदर,
और देखो a प्लस थ्री हमारे पास इस टर्म में एक ही है, वो हमने बाहर रखा हुआ है, x माइनस टू हमारे पास यहां दो है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, एक हमने बाहर रखा, बाकी एक हमारे पास यहां रिमेनिंग है। अब जो है आगे 3a प्लस थ्री और x माइनस टू और दूसरी ब्रैकेट a प्लस थ्री पॉजिटिव, अब ये टू इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, टू इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा मेरे बच्चों, टू इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो हम लिखेंगे 2x प्लस इंटू माइनस माइनस टू टू जा फोर हो जाएगा। यहां तो बात समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिएगा हमारे पास 3a प्लस थ्री और x माइनस टू, उसके बाद हमारे पास यहां मतलब ये बड़ी ब्रैकेट है, जो वेरिएबल्स है वो आप पहले लिखो a प्लस टू एक्स, मैंने पहले लिख दिया। थ्री और फोर आपस में ये लाइक टर्म्स है, माइनस फोर यानी प्लस थ्री, तो यहां पर आंसर आएगा माइनस वन, ये आपका आंसर है। बच्चों समझ में आ गया ये,